बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साईवाल के जियालो जिए भुट्टो। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपने एक बार फिर साईवाल में हमारा इस्तकबाल किया है। बड़ा जोश जज्बे और मोहब्बत के साथ मैं आपका पार्टी का मंशूर लेके, हमारा पार्टी का नजरिया लेके पूरा मुल्क का दौरा कर रहा हूं। ये सिलसिला पख्तूनख्वा के कन्वेंशन से होते हुए बलूचिस्तान से, गरी खुदा बख्श से, जनूबी पंजाब से, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जलसा से खिताब किया, तो आज मैं अपने साईवाल के भाइयों और बहनों के पास आया हूं। साथियों, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो जमातें, जो सियासतदान इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो ही पुरानी सियासत कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूं कि जिस मुश्किल से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, जिस तरीके से हमें तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, जिस अंदाज से बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जो हमें इस वक्त पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है, भाई भाई से लड़वाया जा रहा है, हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, वो फिर इसका अपना फायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो हमें सिखाया, जो हमें मंशूर दिया, मैं समझता हूँ आज जितना उस मंशूर का, उस नजरिया की जरूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना जरूरत ना था। जो मैंने ये 10 नुकाती एजेंडा अवामी मुआशी मुआयदा पेश किया है, इसमें मैं समझता, इस पूरा डॉक्यूमेंट में कालम गलोच की सियासत नहीं है, नफरत की सियासत नहीं है। इस मंशूर में
हमारा प्लान है कि अगर आप मुझे ये मौके देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देते हो, तो हम किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। वो मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मेरा वो प्लान मौजूद है। मैंने फैसला किया है कि हमें अब वो काम करना पड़ेगा जो कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाना में किया था। हमें जिस अंदाज से और जिस तरीके से कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क के मजदूरों का, इस मुल्क के नौजवानों का ख्याल रखा, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा अगर हमें इस महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने इस बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। हमारा आपको मालूम है कि पिछली बार जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले तो हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इंशाल्लाह ताला इस बार हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ अपने उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके, मगर हमारे खवातीन के साथ साथ इस बार मैं साहिबाल के किसानों के लिए बेनजीर किसान कार्ड लेकर आऊंगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा रहा है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, और मैं अपने किसानों को वादा करना चाह रहा हूं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो इंशाल्लाह आपको अपना फसल की कीमत मिलेगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस किसान कार्ड के थ्रू अगर हम आपको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाएंगे ताकि जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उनको कोई कुदरती आफत या किसी की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसी किसान कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला जो सब्सिडीज इस वक्त हम अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, और आप अगर इस मुल्क के किसान से पूछें वो आपको बताएंगे कि कितना महंगा होता है, कितना मुश्किल होता है उसी फर्टिलाइजर को हाथ करना। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है कि वो सब्सिडीज जो वो कंपनीज के पास जा रहे हैं, जो सालाना 1,500 अरब हमारा अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, मैं वो तमाम सब्सिडीज बंद करके अपना किसानों को इस किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो डीएपी दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाल्लाह ताला बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। हम अपने मेहनत कशों मजदूरों को बताना चाह रहे हैं कि कायदे आवाम ने पहले आपको हक दिया, और इंशाल्लाह ताला इस दफा जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम आपको आपके हक दिलवाएंगे, हम इस मुल्क के मजदूरों को उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे, और इसको यकीनी बनाने के लिए हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू इस मुल्क के तमाम मेहनत कशों तमाम मजदूरों को ना सिर्फ रजिस्टर करवाएंगे, मगर चाह वो हमें उनको जो सपोर्ट देना है, जो फैसिलिटेट करना है, जो माली मदद पहुंचाना है, अगर उनका कोई बुजुर्ग का या अपना इलाज करवाना है, अगर इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, उनका अगर पेंशन की बात हो, तो हम इनको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलत इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे, और ये सहूलत ना सिर्फ मेरे वो मजदूर भाई और बहन
जो सनते में काम करते हैं, मैं चाहे वो जराए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, चाहे वो किसी के घर में काम करे, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मजदूरी करते हो, अगर आप काम करते हो, तो आपका हक होगा कि आपको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले। और आपका फिर सिर्फ फिक्र ये होना चाहिए कि मैंने अपना मजदूरी करना है। जो तमाम आपके बाकी मसले हैं, इंशाल्लाह ताला वो हमारा जिम्मेदारी होगा और हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो जिम्मेदारियां पूरा करेंगे। हम तो यहां रुकेंगे भी नहीं, इंशाल्लाह ताला खवातीन को बेनजीर कार्ड, किसान को बेनजीर कार्ड, मजदूर को बेनजीर कार्ड, और हमारे नौजवानों के लिए भी हम यूथ कार्ड दिलवाएंगे। और इस यूथ कार्ड के थ्रू जो मेरे नौजवान भाई और बहन हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं मगर अब तक उनको रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए यूथ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, ताकि हम ना सिर्फ उनको तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है, जिससे अगर वो हासिल करते हैं तो वो रोजगार के मौके उनको मिल सकते हैं, उनको हम इनका यूथ कार्ड के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे। मगर साथ साथ जो मेरे नौजवान मेहनत करते हैं, रोजगार की तलाश में है, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक साल के लिए हुकूमत यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाए जब तक उनको रोजगार ना मिले। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे नौजवान हैं जिनका ना सिर्फ एक मगर दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिरते हैं, धक्के खाते हैं, रोजगार नहीं मिलता। अब मेरा जिम्मेदारी होगा, जब आप हमें हुकूमत का मौका दिलवाए, मेरा जिम्मेदारी होगा कि मैं अपने नौजवानों का ख्याल करूं, अपने नौजवानों को वो तालीम, वो स्किल्स दिलवा दूं और वो मदद पहुंचा दूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए सेहत का सहूलत उनका हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल ना हो तो फिर आप अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये किस किस्म का निजाम है कि हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, हमें बहुत से बीमारियों का इलाज भी मालूम है। ये किस किस्म का निजाम होगा कि इलाज भी मौजूद हो मगर हम कहें कि आप गरीब हो तो हम आपको ये इलाज नहीं दिलवा सकते हैं। मैंने अपना हुकूमत सिंध में कम अरसा में हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। मेरा जो कराची में दिल का हॉस्पिटल, जहां दिल का इलाज करवाते हैं 100% मुफ्त करवाते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सालाना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल का इलाज मेरा मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स में होते हैं। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी साहिवाल में, आपकी साहिवाल में भी इस किस्म का मुफ्त इलाज का सहूलत मिलना चाहिए। मेरा ये आपसे वादा है कि आप जब हमें मौके देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ यहाँ साहिवाल में मगर हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम करूंगा। हमने ये तय किया है कि वो जमाना जहाँ हम अपने नौजवान को कहते थे कि जाएं बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल करें, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, अब हमें हर इजला में
कैंपस और यूनिवर्सिटीज कायम करना पड़ेंगे ताकि मेरे चाहे वो साहिवाल के नौजवान हो या किसी की शहर या किसी देहात का नौजवान हो, उनको इतना महंगा ट्रैवल ना कर सक करना पड़े, अपना रहायश किसी और शहर में बंदोबस्त ना करना पड़े, उनके घर के सामने तालीमी इदारे मौजूद हो ताकि वो तालीम हासिल कर सके। ये तमाम वादे मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद है। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से दरख्वास्त है कि आपने गालिम गलोज का सियासत नहीं करना, आपने जाती दुश्मनी का सियासत नहीं करना, आपने किसी के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल नहीं करना। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूँ। आप मेरा मंशूर हाथ में लेके घर घर पहुंचे, साहिवाल के आवाम से बात करे, उनसे पूछे कि क्या वो ये पुराना सियासत से मुतमिन है या नहीं है, क्या वो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, क्या वो सियासी इंतकाम को बंद करना चाहते हैं, क्या वो अपनी तरक्की का बंदोबस्त करना चाहते हैं। अगर हाँ तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के आवाम का किस्मत बदलूंगा, इस मुल्क का किस्मत बदलूंगा, पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है यहाँ के आवाम, आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं है। 18 दिन रहते हैं तो वो तमाम दिन इस्तेमाल करे, मेरे बहनों के पास जाए, मेरे भाइयों के पास जाए, उनको बताए कि ये 10 नुकाती एजेंडा बिलावल भुट्टो का वादा है आपसे, हम अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अगर आपने अपना किस्मत बदलना है, अगर आपने इस पुरानी सियासत को दफन करना है, तो आए एक नया सोच को चुने जिससे हमने एक नए सियासत की रवायत शुरू करें, जिस पे हम सिर्फ अवाम की खिदमत करें, गरीब की खिदमत करें, किसान मजदूर और नौजवान की खिदमत करें। अगर हम ये काम करते हैं तो 10 साल के अंदर ही अंदर हम इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए, तो जाए शेर पे मोर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान को नई कियादत की जरूरत है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोर लगा दे, तीर पे थप्पा लगा दे। ये तीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूँ। आए तीर पर थप्पा लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। इंशाल्लाह ताला हम मिलके कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को साथ मिलके मुकम्मल कर देंगे। जिए भुट्टो।